नमस्कार, डॉक्टर कहते कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप जानते ही हैं, हम हर प्रकार से ये कोशिश करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली और आँखों की सुरक्षा और देखभाल, इस विषय पर जानकारी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे कि दीपावली का पर्व नज़दीक है और हम जानते हैं कि ये त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार के चलते बहुत सारी सावधानी भी रखनी ज़रूरी होती है, खासकर हम आँखों की बात करें तो आँखों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि दीपावली त्यौहार ही ऐसा है जहाँ पर कि पटाखे सबसे ज़्यादा जलाए जाते हैं और पटाखों की तरह तरह की वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि फुलझड़ी है, बम है और कुछ पटाखे होते हैं जो कि बॉटल के अंदर रख के चलाए जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सुरक्षा हमें परिवार की तरफ से करना चाहिए कि बच्चे यदि चला रहे हैं तो उनके साथ बड़े हों, और जब चलाते वक्त माचिस वगैरह से ना जला के कोई लंबी फुलझड़ी है उससे जलाना चाहिए जिससे एकदम उसके तरफ मुंह ना आए। कुछ शोध पत्र की पढ़े गए हैं जिसमें ये पाया गया है कि जो बॉटल में पटाखे चलाए जाते हैं उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ऊपर से जाके सीधे आँखों पे आता है। इसके अलावा होता है कि कभी कभी हम जब पटाखे चलाते हैं तो लगता है कि शायद वो नहीं चल रहे हैं जी, और वो नहीं चल रहे हैं और जब उसको हम दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं तो वो आँखों को नुकसान कर देते हैं, क्योंकि वो फट जाते हैं और आँखों की हर रचना को नुकसान आता है। तो इसलिए सावधानी ये बरतनी है कि हम पटाखों को दूर से चलाएँ, बच्चों को कोई ना कोई उनके साथ में रहे। और तीसरी चीज़ है कि यदि हम ये कर सकते हैं कि प्रोटेक्टिंग ग्लासेस आती हैं कि जो सफ़ेद ग्लासेस हैं वो यदि लगा लेते हैं, तो क्योंकि पटाखा फूटने से एक तो डायरेक्ट इंजरी होती है और दूसरा होता है कि कभी कभी उसका धूल है, उसके कण हमारे आंखों में आ जाते हैं, तो यदि हम चश्मा लगा कर रखेंगे तो वो कण नहीं आ पाएंगे। तो इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि जब एक बार चोट लगती है तो चोट बहुत विभत्स भी हो सकती है, हमारे सामने का कॉर्निया ख़राब हो सकता है, हमारी जो आयरिस है, पुतली है, वो बाहर आ सकती है, लेंस डैमेज हो सकता है, उससे कैटरेक्ट बन जाता है, पीछे का रेटना पर्दा ख़राब हो सकता है, पूरी आँख भी कभी कभी जा सकती है। तो इन विषयों को सोचते हुए हमें दिवाली का त्यौहार मनाना तो बहुत अच्छे से चाहिए, लेकिन सुरक्षा को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे ही एक पटाखा है डॉक्टर साहब, अनारदाना जो जलाते हैं, बिल्कुल पास जाके उसको जलाते हैं और वो बहुत उसकी चिंगारियां जो हैं वो आती हैं, और कई बार ऐसी दुर्घटनाएं देखने को भी मिली हैं कि कई बार वो जलता नहीं है और फिर बाद में जलाया और सीधा वहीं जाके फट गया और आँखों में नुकसान पहुंचाया। क्योंकि पटाखों का सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी हम जलाते हैं तो हमारी आँखें उसको देखती हैं कि कहाँ से हमें जलाना है, और उसको हम देख कर उसमें जो उसका वो रहता है बारूद लगाने का हिस्सा, वो बहुत ही छोटा होता है, तो उसको हम बहुत नज़दीक जाकर देखते हैं। तो जब भी कोई उसमें पटाखा यदि बर्स्ट होता है या उसमें से कोई कण निकलते हैं तो वो हमारे सबसे नाजुक हिस्सा आँख है जिसमें आके वो लग जाते हैं जी। तो बिल्कुल सही है कि अनार वगैरह जलाते वक्त भी दूर से जलाना चाहिए, उसकी लंबी जो फुलझड़ी आती है उससे जलाना चाहिए, और इसके अलावा इसके कण के अलावा जो उसके धुआं होता है वो भी बहुत नुकसानप्रद होता है, उसके कारण बहुत सारी कई बार एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, कभी कभी हमारे सामने का जो कॉर्निया होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों को यदि हम सुरक्षित ढंग से जलाएंगे तो हमारी दिवाली अच्छी रहेगी। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब यदि अचानक ऐसी कोई दुर्घटना हो ही जाती है तब तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले यदि मान लीजिए कि आँखों में कोई इंजरी हो गई है, जैसे कि उसके अंदर में कोई पार्टिकल्स चले गए हैं, धूल के कण चले गए हैं, उस पटाखे का कुछ चला गया है, तो यदि साफ़ पानी है, जो स्पेशली पीने वाला जो पानी रहता है उससे एकदम आँखों को साफ़ करना चाहिए जी, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। अब दूसरी जो इंजरी हो सकती है जिसमें कि कण तो नहीं गया है लेकिन आँख फट गई है, जिसमें कि कॉर्निया आगे के अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई है, तो उस समय फिर कुछ भी नहीं करना है और तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नेत्र विशेषज्ञ को जी। और यदि कोई कण भी जाता है तो आँखों को मलना रगड़ना नहीं है, नहीं तो हमारे यहाँ जो रिफ्लेक्स होता है कि जैसे ही कोई आँख में कचरा गया है और हम सबसे पहले आँख को रगड़ते हैं, वो नहीं करना है,
क्योंकि यदि वो कण गया हुआ है उसको अच्छे से सुरक्षा तरीके से निकाला जा सके तो वो आँख को डैमेज नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि हम उसको रगड़ के उससे डैमेज कर लेंगे तो वो नुकसान करता क्योंकि है। कई बार हम देखते हैं कि घर में लोग इलाज करना शुरू कर देते हैं, कई बार गुलाब जल डाल देंगे या कुछ और डाल देंगे इससे ठीक हो जाएगा, तो इस प्रकार से कोई भी उपाय घर में नहीं करना है, आपको तुरंत बिल्कुल नेत्र चिकित्सक के पास ले जाना है। गुलाब जल है, कभी दूध डाल देते हैं, जी जी पत्तियों के रस डाल देते हैं, और कभी खुद ही से जाके मेडिकल स्टोर से खुद दवाइयाँ ले आते हैं। जी जी, तो ये सारे नुकसान की चीज़ें, जितना कि वो पटाखा नुकसान नहीं करेगा ये इंटरवेंशन नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल भी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि खुद के से नहीं करना है। जी डॉक्टर साहब, दीपावली के दौरान हम देखते हैं जब लाइटिंग की जाती है घरों में, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लाइट्स ऐसे होते हैं जिसकी रोशनी से भी लोगों की आंखें खराब हुई हैं। जी हाँ, वो उससे भी कुछ ऐसी रेज होती हैं जो आँखों में नुकसान पहुँचा देती हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आंख लाल हो जाती है जी, फोटोफोबिया होने लगता है कि मरीज़ अपनी आंखों को खोल नहीं पाता है और उसको देखने में चलने में दिक्कतें आ जाती हैं। तो उस समय भी ये है कि इस तरह की तेज़ लाइट जो बाज़ारों में मिल जाती हैं उनको नहीं देखना है, और कोशिश करना है कि उनको हम घरों में भी उस तरह की लाइट ना लगाएं जो नुकसानप्रद होती हैं। जी जी, और तभी भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, क्योंकि उनका भी इलाज किया जा सकता है यदि टाइम पर वो दिखा लिया जाए। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात, हम घरों की साफ़ सफाइयाँ करते हैं और इसके लिए वाइट वॉश वगैरह करवाते हैं, चूनी का प्रयोग करते हैं, पेंट का प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी ये ऐसा हुआ है कि ये चूना या पेंट का प्रयोग करते समय कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचा है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दिवाली में सभी लोग अपने घर में पेंट करते हैं और गाँव में कई बार जो चूना आता है उसका उपयोग किया जाता है। तो चूना एल्कलाइन है जो क्षारीय होता है, और यदि वो आँख में चला जाता है तो बहुत नुकसान करता है। और दिवाली के वक्त हम लोगों के पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बड़े लोग आते हैं कि जो चूना की पुताई कर रहे थे और वो आँख में उसके चला गया बच्चा। अब क्या होता है कि जो एल्कलाइन इंजरीज होती हैं ये ज़्यादा घातक होती हैं। ऐसे यदि सुनने में देखा जाए तो लगेगा एसिड ज़्यादा घातक है, पर एसिड से इंजरी होगी तो नुकसान तो होता है, लेकिन जो एल्कलाइन इंजरीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो यदि आँख में चूना ना जाए तो सबसे पहले तो उसी की सुरक्षा करना चाहिए, और उसका है कि बच्चों से चूने को दूर रखें जी। जब खुद भी पेंटिंग यदि कर रहे हैं तो खुद एक प्रोटेक्टिंग ग्लास लगा के रखें, चश्मा लगा के रखें, और यदि आँख में चूना चला गया है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है समय, क्योंकि जब चूना जाता है तो हम लोग सबसे, क्योंकि ये हमारे आँख के जो पीएच होता है उसको चेंज कर देता है, क्षारीय हो जाता है पीएच, तो उसको हमें नॉर्मल लाने के लिए वॉश करना पड़ता है। मतलब आँख में हम लोग जो सलाइन बॉटल्स आते हैं जी, उस तरह के बॉटल से कम हम 2000 और उससे ज़्यादा लीटर से आँखों को साफ करते हैं, जिससे चूने का एक भी पार्टिकल ना रह पाए, उसका जो केमिकल है वो नहीं रह पाए, क्योंकि वो यदि आँखों में रह गया है तो वो धीरे 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 करके आँखों को ख़राब करता है। और उसमें कैसे होता है कि हमारी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जैसे कॉर्निया है वो ख़राब हो जाती है, जो हमारे कुछ लिम्बस में सेल्स होते हैं जिससे कि हमारे बाकी स्ट्रक्चर हेल्दी रहते हैं वो ख़राब हो जाता है, और उसमें फिर जो पलक है वो पलक हमारी आँख से चिपक जाती है। तो जब ये सब हो जाता है तो आँखों को फिर ठीक करना बहुत कठिन काम हो जाता है, और एक प्रकार से पूरी ज़िंदगी उसमें तकलीफ़ें बनी रहती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि चूना ना जाए, पर गया है चूना तो बहुत ही ज़रूरी है कि उसको टाइम से इलाज करें, तुरंत नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएं और उनकी सलाहों को माने, क्योंकि उस जब हम आँखों को वॉश कर देते हैं फिर उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं वो देते हैं, और उससे आँख की रचना को हम बचा सकते हैं। तो चूने से बचाना चाहिए। बिल्कुल है, बहुत साधारण बात, लेकिन ये कैसे नुकसान पहुंचा सकती है हमारी आंखों को, इस पर बहुत सावधानी बहुत जरूरी है। ऐसे वो चूने पेंट में वो फेविकॉल भी मिलाते हैं जी, मतलब वो चिपकाने वाला चीज है, तो वो भी कभी कभी आंख में चला जाता है, तो उससे भी आंख की पलकें चिपक जाती हैं। जी जी, तो इस तरह की इंजरीज से बिल्कुल बचना चाहिए। आप जब भी घर की पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं, तो उस समय आप प्रॉपर एक चश्मा पहन लीजिए सफ़ेद, और इससे आप बच सकते हैं। अभी हम और भी जानकारियां लेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। मेरी अपनी सबकी है ये।
अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर कहते सजीव प्रसारण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप शिखा अग्रवाल जी, और दीपावली पर्व के मद्देनज़र हम आपसे जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, दीपावली का पर्व आने के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सारी हो जाती हैं और लोग बनाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि डायबिटीज़ जिनको है उनकी भी आँखों की रोशनी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा शुगर होने से। तो खान पान में किस प्रकार से हम सावधानी रखें ताकि शुगर ना बढ़े? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दीपावली त्यौहार ही है मिठाइयों का, और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, फिर एक दूसरे के यहाँ जाया जाता है, और उस मिलन जुलन में आँखों में नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमारे सभी दर्शकों को जो शुगर के मरीज़ हों उनसे मैं यही आग्रह करना चाहूँगी कि मिठाइयों को कोशिश करें कि बिना शुगर की मिठाई खाएं या बहुत कम मात्रा में खाएं, और अपनी जो दवाइयां हैं वो रेगुलर लेते रहें, क्योंकि जो डायबिटीज़ का असर है हमारे शरीर के हर अंग पर पड़ता है, तो उसमें आँख एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें यदि एक बार असर शुरू हो जाता है और उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, और उससे अंधत्व का शिकार भी मरीज़ हो सकते हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता है। ब्लड शुगर तो आप दिखा रहे हैं, रोज़ जांच करा रहे हैं, महीने में करा रहे हैं, 3 महीने में कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि हाँ अभी तो शुगर हमारी बढ़ी हुई है या कम हुई है, पर आँखों की जांच हम इतने जल्दी जल्दी नहीं कराते हैं, और इसका असर जो है वो धीरे धीरे करके आता है। तो दीपावली में सबको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा मिठाइयाँ ना खाएँ, और जिनको शुगर नहीं है पर उम्र है 40 साल के ऊपर है उनको भी कोशिश करना चाहिए कि मिठाइयों को से थोड़ा सा परहेज करें। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, चूंकि आप हैं तो हम आँखों की और भी समस्याओं के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। अभी धान कटाई का सीज़न भी है, तो डॉक्टर साहब धान कटाई के समय हमने देखा है कि कई लोगों को धान कटाई करते समय वो जो तिनका होता है धान का जो भूसे का, वो कभी कभी चला जाता है आँखों में, तो वो किस प्रकार से नुकसान करता है? जी हाँ, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ही धान का कटोरा है, और इस समय सभी लोग अपने उसमें व्यस्त होते हैं धान कटाई में, उसके जो दाने हैं वो तिनके उड़ के लग जाते हैं, और लगने से आँख में जो कॉर्निया होती है उसमें कॉर्नियल अल्सर बना लेते हैं, और जब अल्सर बनता है तो उसमें 99% टाइम में उसमें फंगस आ जाता है, जिसको कि हम लोग फंगल केराटाइटिस कहते हैं, और जब फंगल इन्फेक्शन आता है और उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए तो आँख पूरी की पूरी ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, हमारी कॉर्निया को पूरे धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, और कभी कभी नौबत ऐसी आती है कि हमें आँख को निकालना पड़े। तो जब कटाई कर रहे हैं उसके लिए भी मैं सलाह देती हूँ कि यदि प्रोटेक्टिंग ग्लासेस हैं, काले जो चश्मे आते हैं या सफ़ेद चश्मे आते हैं, उसको लगा कर करें, जिससे आँखें सुरक्षित रहें। लेकिन यदि मान लीजिए चोट लग ही गई है तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से सलाह करें, क्योंकि उसका उपचार बहुत अच्छा है, यदि हम टाइम पर उपचार करते हैं तो आँखों को बचाया जा सकता है, और उससे आँखों की रोशनी बची रहती है। अब कभी चोट लगने के बाद में घाव आ गया है, अल्सर जिसको हम कहते हैं, अब उसको ट्रीटमेंट करने के बाद में, जैसे हमारे हाथ पैर में कहीं चोट लगती है तो वहाँ पे एक निशान आ जाता है, ऐसे ही आँख में यदि चोट लगती है तो वहाँ पे भी एक सफ़ेदी आती है, जिसको कि हम लोग स्कार कहते हैं, कॉर्नियल स्कार, तो वो यदि पुतली के पीपल के किनारे है तब तो वो रोशनी में बहुत फ़र्क नहीं करता है, थोड़ा कम हो जाएगी रोशनी, पर यदि वो सेंटर में है, हमारे पीपल के सेंटर में यदि आ गया अल्सर तो वहाँ भी सफ़ेदी आएगी। उस परिस्थिति में यदि रोशनी कम हो गई है, जब अल्सर हील हो जाता है, उसमें स्कार आ जाता है और 6 महीने तक वो आँख ठीक रहती है, तो उसके बाद एक ही उपचार बचता है जिसको कहते हैं नेत्र प्रत्यारोपण, कि दूसरे जो लोग दान करते हैं आँख जी, उसकी कॉर्निया को बदला जाए,
और मतलब ये उस स्थिति तक पहुंच सकती है यदि हमने अल्सर को ठीक से इलाज नहीं किया जी। और किन्हीं परिस्थितियों में ऐसे भी होता है कि यदि अल्सर इतना ज़्यादा है उसको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता है तो उस समय भी हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, जिसको हम लोग थेरापूटिक कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। मतलब कि उस आँख की रचना को बचाने के लिए हमने ये ट्रांसप्लांटेशन किया है जी। तो इसलिए मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगी कि जब भी खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं तो अपनी आंखों की सुरक्षा पर ध्यान दें। और मान लीजिए किसी को चोट लगती है तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से सलाह संपर्क करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि छत्तीसगढ़ की बात चली है और हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रामीण भाई हैं बहनें हैं वो सब तालाब में नहाते हैं, और कई बार देखें कि वो जो जिस तालाब में वो नहाते हैं साथ में पशु भी नहाते हैं, तो उससे भी हमने सुना है कि कोई गंभीर बीमारी आँखों को हो सकती जी, है जी। ये बीमारी होती है जिसको बोलते हैं राइनोस्पोरिडियोसिस, मतलब कि वो दोनों जो हमारे पशु हैं और हम मनुष्य दोनों साथ नहा रहे हैं तो उससे एक इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन को राइनोस्पोरिडियोसिस कहते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पाया जाता है जी। अभी लेकिन जागरूकता की वजह से लोगों में थोड़ा सा ज्ञान आया हुआ है तो उसके जो केस मिलते हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन अब उससे आँखों में भी गंभीर उसके असर आ सकते हैं जी। तो कोशिश वही होना चाहिए कि वो लोग साथ साथ ना नहाएं और अच्छे जो स्वच्छ पानी हो उसमें नहाना चाहिए, और यदि मान लीजिए ऐसा इन्फेक्शन आ गया है तो तुरंत सही उचित सलाह लेकर इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कई बार बहुत छोटे बच्चों को भी आँखों का चश्मा लगता है जी। तो ये क्यों होता है ऐसा? जी हाँ, बच्चों को जो एक उसको रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, तो ये भी एक आँख की रचना की वजह से होता है कि किसी किसी की बच्चे की आँख थोड़ी बड़ी बनी हुई होती है, किसी की आँख छोटी होती है, तो उस हिसाब से आँखों के चश्मे आते हैं जिसको कि हम मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं जी। लेकिन बच्चे को समय पर भी हम चश्मा देते हैं तो बच्चे की नज़र जैसे नॉर्मल व्यक्ति की होना चाहिए वो रहती है, पर यदि हम चश्मा नहीं लगाते, क्योंकि कभी ये होता है कि छोटे बच्चे को चश्मा नहीं लगाना है, चश्मा लगाने से बच्चा अच्छा नहीं दिखेगा, स्कूल में बच्चे कई बार चिढ़ाते हैं उस बच्चे को जो चश्मा लगा रहा है वो चश्मा नहीं लगाता है, उस स्थिति में वो आँख काम करना कम कर देती है और समय के साथ वो आँख लेज़ी आई हो जाती है, जिसको हम लोग एम्ब्लायोपिया कहते हैं। तो यदि आँख तो सब कुछ अच्छा है, उसका पर्दा अच्छा है, उसकी नस अच्छी है, लेकिन वो आँख काम नहीं कर रही है क्योंकि उसने चश्मे का उपयोग नहीं किया जी जी। तो यदि चश्मा आया है तो उसे डरना नहीं है, चश्मा लगाना है, और चश्मा लगाने से बच्चा अच्छे देख भी सकता है। लेकिन इसके अलावा एक बीमारी होती है नवजात शिशुओं में जी जी। जो नवजात शिशु प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं उन या उनका वजन कम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, उन बच्चों में यदि सही उपचार ना किया जाए तो वो बच्चे जीवन भर अंधत्व का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ तो बच जाती है जी जी। लेकिन उनकी नज़र चली जाती है। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि यदि बच्चा कहीं पर भी प्रीमैच्योर हुआ है तो वैसे तो जो हमारे बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो लोग रेटना उनकी जांच कराते हैं और माँ बाप को भी उनके घर के लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि बच्चा प्रीमैच्योर हुआ है तो हम उसकी आँखों की जांच करा लें। और आँख की जांच करने में सबको वो बीमारी होगी ऐसा नहीं होता है जी जी। लेकिन जब तक जांच नहीं होगी वो हमें पता नहीं चलेगा, और उसमें समय महत्वपूर्ण होता है, यदि उसको समय पर इलाज करेंगे तभी वो आँख बच सकती है, नहीं तो वो आँख खराब हो जाती है। यानी जो प्री मेच्योर जिनके यहाँ बेबी पैदा हुआ है उनको खासकर ध्यान रखना है कि आप आँखों की जाँच जरूर करवाएं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मौसम परिवर्तन होता है, अभी बरसात के बाद ठंड, ठंड के बाद गर्मी, तो ये जब मौसम परिवर्तन होता है इस दौरान भी क्या कुछ आँखों में समस्या देखी जाती जी है? हाँ, स्पेशली अभी जो ठंड आया हुआ है तो एक तो मौसम थोड़ा सा ड्राई हो जाता जी। फिर पॉलिन पूरे हमारे वातावरण में फैलते हैं जहाँ पे कि पुष्प वगैरह आते हैं, तो ये सब एलर्जी का कारण होते हैं, जिसमें कि आँखों में लाल होना, खुजली आना, पानी आना, ये सब समस्याएं शुरू हो जाती हैं जी। तो एक तो होता है कि सीजनल है कि जब किसी किसी को उस मौसम में ही होता है, और एक तरह के मरीज होते हैं जिनको थ्रू आउट पूरे साल भर चलता रहता है, तो जिनको सीजनल रहता है उनको पहले से ध्यान रखना चाहिए कि यदि ये हमें एलर्जी हो रही है, आँख लाल होती है, खुजली होती है, तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम पहले से डालना शुरू कर देते हैं जी। और उससे वो समस्या है वो बहुत गंभीर रूप नहीं ले सकती है।
और जिनको साल भर यदि खुजली हो रही है और आँखों में पानी आ रहा है तो उनको भी इलाज किया जाता है। तो ये मौसम जो रहता है जिसमें कि समस्याएं शुरू होती हैं खुजली पाने की, और बच्चों में स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उससे और वो भी जिनको जैसे अस्थमा है उसमें इनकी समस्या ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी जिसकी कम है उसमें ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो उसके लिए भी प्रोटेक्टिंग ग्लासेस लगाएं, जैसे कि वो एलर्जी के जो कण हैं वो अंदर ना आए। और दूसरी बात है कि यदि है एलर्जी तो फिर डॉक्टर से उचित सलाह लेके ट्रीटमेंट करें, अपने मन से ना करें, क्योंकि एलर्जी में क्या होता है कि एक स्टेरॉइड दवाई आती है जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है और उसको डालने से खुजली कम हो जाती है, लालपन कम हो जाता है, लेकिन वो मोतियाबिंद और कांचियाबिंद बना सकती है, तो उस दवाई को बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। जी जी, इसका ध्यान। डॉक्टर साहब, एक समस्या हम देखते हैं आँखों में ड्राईपन, जो सूखापन कभी लगता है, तो ये क्यों होता है? देखिए, ड्राइनेस के बहुत सारे कारण हैं, पर यदि हम कुछ इम्पॉर्टेंट कारण को कहें तो एक तो सबसे बड़ी आजकल की समस्या हो गई है कि हम लोग सभी लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, स्क्रीन में काम कर रहे हैं, तो स्क्रीन में जब हम काम करते हैं तो हमारी आँखों की पलक झपकना, ब्लिंक्स कम हो जाते हैं। दूसरी बात, हर कमरे में एयर कंडीशन होता है तो ये, और बच्चे की पूरी पढ़ाई आजकल कंप्यूटर में हो रही है, तो जब आप लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं तो इससे आँखों में सूखापन आता है, जो हमारी टियर फिल्म होती है वो प्रॉपर नहीं स्प्रेड हो पाती है और उससे सूखापन आता है। फिर दूसरा होता है कि पलकों में कुछ डक्ट होती हैं जो हमारी टियर फिल्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यदि उसमें कोई ब्लॉक हो जाता है तो सूखापन आता है। फिर जो लोग बाहर ज़्यादा काम कर रहे हैं उनमें भी एक ड्राई एनवायरनमेंट में सूखापन आता है, तो इनके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को हमें उचित उसका उपचार करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो स्क्रीन वाला है उसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैं अब यहाँ पर बताना चाहूँगी कि एक तो जब भी आप स्क्रीन में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा समय तक तो आँखों को की पलकों को झपकना चाहिए जी, तो उससे टियर फिल्म आपकी सूखती नहीं है। दूसरा जो है वो है कि आप 20 मिनट से ज़्यादा यदि स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं तो 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे देखना चाहिए, तो उससे भी आँखों की सुरक्षा रहती है। और एयर कंडीशन में यदि आप हैं तो एयर कंडीशन का जो वेंट रहता है वो एकदम आपके आँख के सामने नहीं आना चाहिए, पीछे से आए, तो ये सब यदि अपन सावधानी बरतते हैं तो अपनी ड्राइनेस को हम थोड़ा कम कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, किस उम्र में आँखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर हमको लगता है जैसे थोड़ा सा पास की नज़र कमज़ोर हो गई है, धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसा कोई उम्र बंधन है या जब? जी, नहीं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्योंकि ये उम्र से रिलेटेड है। जी जी, तो ऐसे तो आँख की जांच बच्चों की भी कराना चाहिए, प्री स्कूल हम लोग टेस्ट करते हैं, स्कूल चिल्ड्रन टेस्ट करते हैं, लेकिन जब आप 40 साल की उम्र में आते हैं तो हमारे आँख के कुछ मसल्स हैं वो हमारा काम करना थोड़ा थोड़ा कम करती हैं, तो जो हमारा एकोमोडेशन पावर होता है वो कम हो जाता है, उस स्थिति में हमें चश्मे की ज़रूरत होती है। पर जनरल ये होता है कि हम उसको शायद मानना नहीं चाहते हैं कि हमें चश्मे की ज़रूरत है और उसको थोड़ा सा आगे आगे बढ़ा बढ़ा के लोग पढ़ते हैं, तो 40 साल के बाद ज़रूर करना चाहिए। और 40 साल के बाद आँखों की जाँच इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो चश्मा लगना है, दूसरा किसी परिवार में भी ग्लोकोमा है, कांचियाबिंद है, तो सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए, 40 के बाद उनको भी साल में एक बार जांच कराना चाहिए, और बाकी भी जो लोग हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो सुरक्षित उपाय बताए हैं कि दीपावली पर्व के दौरान कैसे आप आँखों की देखभाल करें, सावधानी पूर्वक पटाखे चलाएं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।